हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा के ओमेगा स्टडी सेंटर में आयोजित हुआ ओटीएसई 2024 परीक्षा का आयोजन, हजारों बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति एवं मिलेगा पुरस्कार का लाभ। लगातार 10 वर्षों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा ओटीएसई का आयोजन आज 11 फरवरी को दो पालियों में किया गया। इस वर्ष ओटीएसई परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 3,220 बच्चे सम्मिलित हुए। पिछले 10 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को दिया जाता है 100% तक का स्कॉलरशिप और ढेरों पुरस्कार। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने संस्थान से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला करवा चुके हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है। इसमें ज्यादातर बच्चे ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा से निखर कर आए हैं। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि इस वर्ष ओटीएसई परीक्षा में दोनों पालियों में कुल 3,220 बच्चे सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के पीछे संस्थान का मूल उद्देश्य दूर दराज के गांव में जो काफी मेधावी छात्र छात्राएं हैं और किसी कारणवश आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण, ऐसे मूल रूप से आर्थिक असमर्थता के कारण ही बच्चे शहर की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इससे राष्ट्र का बड़ा नुकसान होता है। हम लोगों का यही प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के हों और उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए ओमेगा में नामांकन कराकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को संस्थान के सभी प्रोग्राम टारगेट, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन में 100% तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। वहीं ओटीएसई में सफल हुए प्रतिभागियों को कई विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें ई बाइक, लैपटॉप, साइकिल, बैग, स्मार्ट वॉच व टेलीस्कोप के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। साथ ही श्री ठाकुर ने बताया कि प्रतिवर्ष आईआईटी एवं नीट के रिजल्ट में संस्थान के बच्चे राज्य में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लाकर संस्थान की श्रेष्ठता को साबित किया है। कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि शहर के हों या दूर दराज गाँव के, बच्चों में काफी प्रतिभा है, लेकिन वे आर्थिक तंगी के कारण शहर के शैक्षणिक व्यवस्था से दूर रह जाते हैं। हमारा संस्थान ऐसे बच्चों को निखारने के लिए विगत 10 वर्षों से पहल कर रहा है। इसमें सैकड़ों बच्चे देश में जगह जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, ऐसे सभी छात्र छात्रा 18 फरवरी तक हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए अभिभावकों को संस्थान पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसी कोचिंग में हम चाहिएगा, मतलब जो क्वेश्चन लेवल था वो हाई था या लो था? हाई था। आपने सारा अटेम्प्ट किया, तो क्या ये एक हेल्पफुल टेस्ट सीरीज होता है? मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल टेस्ट है। ठीक ठाक, सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट किए हैं? कैसा, मतलब बोला जाए तो ओटीएससी क्या हेल्पफुल है आप लोग के लिए? ये जो एग्जाम होते हैं ये हमारी नॉलेज और कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, इस ये जरूरी नहीं कि आप कैसा करें, ये जरूरी कि आप कितना सीखते हैं और कितना समझते हैं। बच्चों के अंदर जो उत्साह है इस एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि ये हमारा 10th ईयर है, 10वें साल तक हम लोगों ने लोगों के नज़र में अपना भरोसा जो कायम किया है, उसी का नतीजा है कि बच्चे इस एग्जामिनेशन को अपने कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के रूप में ले रहे हैं। चूँकि इस एग्जामिनेशन से पास आउट बच्चे आज IIT, NIT और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों का भी उत्साह और उनके भविष्य को लेकर जो उनकी जिज्ञासा है, उनका जो सपना है, उसकी जिम्मेदारी हम लोग बहुत ही समझ रहे हैं। तो आपके माध्यम से फिर से हम तमाम ऐसे लोगों को आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं, साथ ही आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ओमेगा अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है, अपने टीम को और बेहतरीन करके रिजल्ट का और नया कीर्तिमान हम लोग गढ़ते रहेंगे। और आप तमाम लोगों को और विशेष रूप से तमाम अभिभावकों को ओमेगा पे भरोसा, और इतना बड़ा भरोसा, जितनी बड़ी भीड़ जिसको कंट्रोल करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो इतना बड़ा भरोसा, तो बहुत बहुत आभार।